रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था, यही उनका आह्वान था। ये समाज विभाजित था, अयोध्या में राम मंदिर अपवित्र हुआ है। ये समाज विभाजित था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था, हमारे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हुआ। जो हमारा ओबीसी समाज सबसे अधिक गो सेवा करता था, याद करिए, उसी समाज में गोवंश छीन करके उन गौशालाओं, उन्हें गौशाला में नहीं, उसकी गेह सेवा नहीं, बल्कि उसको कसाइयों के हवाले किया जाने लग गया। गौकसी होने लग गई, गौ हत्याएं होने लग गई, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया। ये सब मौन है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके लिए। ये अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, ये मथुरा पे नहीं बोलेंगे, ये काशी पे नहीं बोलेंगे, ये माफिया राज पे नहीं बोलेंगे, ये लोग दंगों पे नहीं बोलेंगे, ये लोग कावड़ यात्रा पे नहीं बोलेंगे, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं बोलेंगे, ये होली और आपके पर्व और त्योहारों पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा औजार के रूप में इस्तेमाल किया है अपने स्मार्टफोन को। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके माध्यम से झूठे वक्तव्यों को निकाल करके, झूठी जातियां और झूठे शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जुड़ना हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ आपको जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल